हाय किड्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.5 पेज नंबर 62 और 63। मैंने आपको उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज 3.5 की मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं स्टेटमेंट वाले, जिसमें इक्वेशन आपको खुद बनानी होती है। इसकी मैं आपको इक्वेशंस बना के देती हूँ, क्योंकि इस इन क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। ऑब्वियसली मतलब कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग नहीं, पैरेलल लाइंस होंगी तो ऑब्वियसली कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बाय एनी अलजेब्रिक मैथड, बाय एनी अलजेब्रिक मैथड यानी कि आपके पास थ्री मैथड्स है, आप थ्री मैथड्स में से आप कोई भी मैथड यूज़ कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगी और आप उन इक्वेशंस को किसी भी मैथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, यानी कि हॉस्टल के चार्जेस हैं जो एक पूरे चार्जेस हैं, उनमें से कुछ पार्ट है आपका फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड, और जितना उन्होंने फूड लिया है पर डे के हिसाब से उसके चार्जेस हैं। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड शी हैज़ टू पे 1000। अब ये इक्वेशन आपको बनानी है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है, आपको पता चल गया आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो है फिक्स चार्जेस और एक है एडिशनल चार्जेस पर डे के हिसाब से, राइट? क्योंकि हर बच्चा अलग अलग डे का करेगा तो हम पर डे के हिसाब से चार्जेस लेंगे और जो फिक्स है वो फिक्स है। ओके, तो आपने निकालना भी क्या है, फाइंड द फिक्स चार्जेस यानी कि ये एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो आपने यही चीज़ लेट करनी है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस ऑफ हॉस्टल इक्वल्स रुपीज एक्स, ओके, एंड द एडिशनल चार्जेस ऑफ फूड पर डे, पर डे यानी कि वन डे का चार्ज इज इक्वल टू रुपीज वन। अब आपको तो क्वेश्चन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, When a student A takes food for 20 days, 20 days के लिए she has to pay total कितना 1000, जिसके अंदर fixed और additional charges include है। तो 20 days के लिए उसने food लिया तो fixed charges तो आपके रहेंगे x, plus per day का अगर y है तो 20 days का कितना होगा 20 into y equals total charges आपके 1000। तो ये बन गया आपकी पहली equation, and second equation is वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, 26 days पेज 118, यानी कि ऑब्वियसली ये है आपका ए का और ये है आपका बी का, फिक्स चार्जेस ऑलरेडी आपके पास बताइए आपको एक्स एंड 26 days, तो पर डे के चार्जेस वाई, तो 26 days के 26 into y इक्वल्स 118, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको एलिमिनेशन मैथड से, सब्सटीट्यूशन मैथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको ईजी लगता है आप उसको उससे कर सकते हैं। ओके, अब यहीं पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको पता है, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम करते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज, जो हमें फाइंड करना है, एक्स बाय वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या चीज़ है, आपका फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी कि आपने x बाय वाई किया न्यूमरेटर में से माइनस 1 के, यानी पूरे के नीचे y, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 3x-3 इज इक्वल टू y, 3x-y इक्वल्स 3, इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और अगर आप सेकेंड इक्वेशन की बात करें, आपको क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/4, वो 1/4 बन जाता है इफ एट इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स बाय वाई डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया। ओके, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर निकाल सकते हैं,
4x minus y equals 8. This is your second equation. Okay. अब आते हैं पार्ट थ्री पे. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. यश ने स्कोर किया 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. एक राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं एंड लूजिंग 1 मार्क और माइनस 1 हो जाते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर. एंड हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. तो यश ने बताओ उसने 50 मार्क्स को किया, तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट. ठीक है, तो चलो हम ये सोचते हैं कि करेक्ट यानी कि राइट आंसर हमारे पास नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जो कि हमें इसमें क्वेश्चन पूछा होगा. ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर आपका ये चीज़ कह रहा है तो आपको इतना पता है कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, राइट. तो करेक्ट, तो अब हमने क्या करना है कि लेट द करेक्ट क्वेश्चंस बी एक्स जो उसने दिए होंगे एंड द इनकरेक्ट क्वेश्चंस विल बी वाई. ओके, तो अब आप क्वेश्चन के हिसाब से जाओ. अगर करेक्ट क्वेश्चन एक्स है और आपको 3 मार्क्स ईच राइट आंसर के मिल रहे हैं तो आपको टोटल मार्क्स कितने मिले, 3 इंटू एक्स, और डिडक्ट हुए यानी कि माइनस इनकरेक्ट के लिए कितने हुए, 4, लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो कितने आंसर आपने रॉन्ग किए, वाई, तो 1 इंटू वाई, तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स, टोटल आ गया 40. ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. और सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या कहती है, एंड अगर 4 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर को दें और 2 डिडक्ट करें इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो 4 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर के लिए, तो 4 इंटू एक्स माइनस, माइनस कितना है, 2 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो 2 इंटू वाई इनकरेक्ट आंसर के लिए, और उसको तब टोटल कितने मिलेंगे, 50 मार्क्स. तो ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन. अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एंड नाउ इज क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट. Places A and B are 100 किलोमीटर apart on highway. यानी कि A और B ये दो पॉइंट है. ओके, ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर apart है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर. एंड वंस द कार स्टार्ट फ्रॉम A, जब एक कार स्टार्ट होती है एंड अदर फ्रॉम B इन द एट द सेम टाइम, एंड इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं, ऐसे से जा रहे हैं और बी अलग से चल रहा है डिफरेंट स्पीड से, लेकिन सेम डायरेक्शन में, ये भी इस तरफ और बी भी इस तरफ जाएंगे, तो ये एक दूसरे से कितनी देर में मिलेंगे, 5 आवर्स में. ठीक है, 5 आवर्स में. स्पीड हमें नहीं पता क्या है, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हमें इन, अब जहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी पॉइंट पर मिले, तो ये टोटल क्या है, ए सी और ये बी सी, तो ये हमारा जो 100 किलोमीटर कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस ए सी में से बी सी पॉइंट का डिस्टेंस अगर माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर. पर डिस्टेंस हम निकालें कैसे, ये पूरे वाला 100 तो हमें पता है, बट हमें ये ए सी और बी सी नहीं पता, राइट. और इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, तो आपका ये समझ आ गया 5 आवर्स में, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, और अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं, यानी कि ए और बी इस तरीके से, ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे, मान लो इस पॉइंट पे मिले, वो कितनी देर में मिलेंगे, 1 आवर में मिलेंगे. यहाँ पे हमें टाइम पता चल गया, लेकिन अब इसमें अब डिस्टेंस बताओ, ए और बी का हमारा 100 किलोमीटर था, अब इसमें कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ए सी प्लस सी बी, ठीक है, दैट विल बी 100, एंड यहाँ पे ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. अब ये ए सी और बी सी और यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, आपने जो निकालना है पहले वो लेट करो. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी पॉइंट, वाई किलोमीटर पर आवर. अब आपको टाइम पता है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपको टाइम पता है, आपके पास स्पीड है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी कि स्पीड इंटू टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस. तो अगर आपका x किलोमीटर स्पीड है और टाइम आपका 5 आवर्स है, यानी कि इंटू 5, ठीक है, ये हमारा आ गया ए सी पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में, और बी सी या सी बी जो भी आप कहो,
कि वो कैसे निकालेंगे, वो भी टाइम आपका 5 आवर और स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर, तो y इंटू 5 ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो अब इसमें पहली इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो 5x माइनस 5y, माइनस क्यों किया हमने इस इक्वेशन के लिए, मैंने आपको समझाया, इज इक्वल टू 100, टोटल डिस्टेंस आ गया 100। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन में आपका टाइम है 1 आवर, 1 आवर है तो आपका ए सी कितना हुआ 1 इंटू एक्स, और बी सी कितना हुआ 1 इंटू वाई, तो आपकी और इसमें प्लस करके क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स 100, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब सेम पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, एंड दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, क्योंकि मैंने आपको 4 पार्ट्स करा दिए हैं। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल है जो कि होता है एल इंटू बी, आप एक लेंथ और ब्रेथ को एक्स वाई मान लो के और एरिया उसी हिसाब से प्लस माइनस करके जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करें उसी हिसाब से करें। ओके, थैंक यू।